दोस्तों नमस्कार। पशु चिकित्सा करते समय बहुत बार जो है चिकित्सक के सामने बहुत असामान्य मामले आते हैं और उन असामान्य मामलों को जो है उसको चिकित्सा करनी पड़ती है। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं पशु चिकित्सा के 5 असामान्य मामले जो हमने देखे हैं और उनका कैसे उपचार किया उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। दोस्तों मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर गोविंद नारायण पुरोहित, पूर्व विभागाध्यक्ष पशु प्रसूति एवं मादा रोग पशु विज्ञान विश्वविद्यालय। और ये जो 5 पशु चिकित्सा के असामान्य मामले हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं वो मैं पूर्व में जो है उर्मूल डेयरी में जो है चल चिकित्सा इकाई में पोस्टेड था और उस मोबाइल चल चिकित्सा इकाई में जब हम गांव में जाते थे जो असामान्य मामले हमारे सामने आए और उनका हमने कैसे उपचार किया उसके बारे में मैं आज चर्चा करने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया घंटी के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को ऑन करें ताकि आपको मिलेंगे हमारे वीडियो सबसे पहले। तो चलिए चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं फ्लोराइड विषाक्तता की, फ्लोराइड पॉइजनिंग या फ्लोराइड टॉक्सिकोसिस। एक बार हम किसी बीकानेर के पास नोखा क्षेत्र में एक गांव में गए और जो है हमारे पास एक भैंस पालक आया कि उसकी भैंस के 2 दांत गिर गए हैं। तो दोस्तों ये बड़ी चिंता का विषय था क्योंकि भैंस में ऐसा तो है नहीं कि आदमियों की तरह उसको जो है डेंचर लग जाएगा, अगर सारे दांत गिर जाएंगे तो डेंचर लग जाएगा। तो हमें बड़ी चिंता हुई, हमने उस क्षेत्र के पानी की और उसके नमूने भेजे तो पता चला कि वहाँ पानी में फ्लोराइड की मात्रा बहुत अधिक है। तो तुरंत हमने जो है उसको उस भैंस को कैल्शियम ग्लूकोनेट दिया और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड उसको पेट में दिया और उसको कहा कि भैया ये पानी पिलाना बंद कर और इस भैंस को या तो अन्यत्र जो है शिफ्ट कर दे या फिर इसको ये पानी पिलाना बंद कर क्योंकि इसी से इसको तकलीफ हो रही है। तो इस प्रकार से हमने जो है उस पशु का उपचार किया और उस क्षेत्र में सभी पशुपालकों को जागरूक किया कि वो खुद भी नहीं पिए, जो पानी ये उपलब्ध हो रहा है वो दूसरे पानी का कोई स्रोत ढूंढ लें और अपने पशुओं को भी फ्लोराइड विषाक्तता से बचाएं। इसमें जो है पशु के दांत पीले पड़ सकते हैं, आदमियों के दांत पीले पड़ सकते हैं, दांत गिर सकते हैं और कई सारे लक्षण इसमें दृष्टिगत हो सकते हैं। तो आपके सामने भी अगर ऐसा कोई केस आए तो आप सावधान हो जाएं, वहाँ के पानी की वगैरह की जांच कराएं ताकि आपको पता लगे कि ये फ्लोराइड विषाक्तता हो सकती है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं दूसरे केस की। एक दिन हम सुबह सुबह किसी गांव में गए, अपनी जो चल चिकित्सा इकाई थी उसमें गांव में गए और जो है वहाँ पर एक भैंस पालक जिसके आया और उसके भैंस के अभी अभी बच्चा हुआ था तो वो हमें दिखाने ले गया कि साहब ये बच्चा जो है उसका अजीबो गरीब है, आप देखिए इसको। हमने जाकर के देखा तो उस भैंस के बच्चे के दिल जो है वो बाहर की ओर था और वो धड़क रहा था। तो इसको कहते हैं एक्टोपिया कॉर्डिस। देखिए उस समय हमारे पास मोबाइल आदि की सुविधा नहीं थी इसलिए मैं उस समय की कोई रिकॉर्डिंग तो आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन ये बता सकता हूँ कि वो अगर ऐसा केस आपके सामने आए जिसमें बच्चे का दिल, बच्चा पैदा हुआ और उसका दिल बाहर की ओर धड़क रहा है तो आप वही कीजिए जो हमने किया। हम उसे तुरंत गाड़ी में डाल के और वेटरनरी कॉलेज बीकानेर ले गए और डॉक्टर टीके गहलोत ने उसका ऑपरेशन किया और वो बच्चा जो है बच गया। कुछ दिनों बाद उसको कुछ परेशानी हो गई, इन्फेक्शन वगैरह हो गया तो उससे उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन अगर ये नहीं होता तो वो बच्चा आसानी से बच सकता था। तो आपके क्षेत्र में भी ऐसा कोई बच्चा आए तो आप उसको तुरंत शल्य चिकित्सक के पास ले जाएं ताकि वो उसकी शल्य क्रिया करके उस बच्चे को बचाने की कोशिश करें। ठीक है, अब हम तीसरे जो उसकी बात करते हैं वो है अर्गट विषाक्तता। देखिए हम एक गांव में गए और वहां पर एक पशुपालक जो है उसकी ये शिकायत थी कि उसकी जो गायें हैं उनमें से एक में अबॉर्शन हो गया है और एक दो गायें हैं उनके जो खुर होते हैं, खुर का ये जो हिस्सा होता है और कान का जो ये हिस्सा होता है वो धीरे धीरे गलने लग गया है। तो हमने जो है उसको पहले ये सोचा कि कोई इन्फेक्शन हो सकता है, कोई फुट रॉट हो सकता है, तो हमने उसका एक आध दिन उपचार किया लेकिन वो कोई आराम उसको नहीं मिला। तो हमने उससे पूछा भाई तू इसको खिलाता क्या है, तो उसने बताया साहब ये चाटा देता हूँ और ये चारा देता हूँ। मैंने कहा हम तू चारा दिखा हमें कहाँ,
तो वो चारा जब हमने देखा तो वो कोई चारा भीगा हुआ पुराना चारा था और उसमें जो है फफूंद काफी सारी थी, तो हमें पूरा विश्वास हो गया कि ये फफूंद की वजह से अर्गट पॉइजनिंग हो रही है। तो हमने उसको कहा तो एक पहला काम तो ये करिए, चारा खिलाना बंद कर, और दूसरा हमने जो इसको एड्रेनलिन वगैरह के टीके लगाए। देखिए अर्गट की विषाक्तता से जितना नुकसान हो जाता है उसको वापस जो है रिवर्ट करना बहुत मुश्किल होता है, जैसा कि फ्लोराइड पॉइजनिंग में भी ऐसा ही होता है, उसको वापस आप ठीक नहीं कर सकते लेकिन आप आगे उसको रोक सकते हो। तो हमने उन पशुओं को वो चारा खिलवाना बंद किया और उसकी एक गाय के तो जो है उसके खुरी गिर गया एक, तो वो बेचारा जो है बीकानेर जा करके और किसी उससे लकड़ी का सूथा वो बनवा के लाया और लकड़ी का खुर उसको लगा के रखा कुछ दिन, तो वो चला फिर उसने दोबारा उसको लगाया। तो इस प्रकार की समस्या अर्गट विषाक्तता से हो सकती है, अर्गट पॉइजनिंग जो है मोल्डी फीड से हो सकती है। तो आप इसका विशेष ध्यान रखें कि इस प्रकार के केसेस अगर आपके पास आए तो उनका कैसे उपचार करना है और क्या सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी है जहां से अर्गट उसके पेट में जा रहा है उसको रोकें, क्योंकि जो नुकसान हो चुका है उसको आप ठीक नहीं कर सकते। आप दूसरे जो है वासो डायलेटर, क्योंकि वो अर्गट जो है वो वासो कंस्ट्रिक्शन करता है, गैंग्रीन हो जाता है और उसके खुर गिर सकते हैं, कान गिर सकते हैं। तो इस प्रकार बिना कोई खून आए गैंग्रीन होता है और फिर धीरे धीरे वो गिर जाता है। तो आप वासो डायलेटर जो है वो दे सकते हैं, जैसे कि एम्लोडिपिन, लेकिन एम्लोडिपिन वगैरह जो है अभी तक पशुओं के लिए इतनी ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध नहीं है, उनकी डोज का भी पता नहीं है। तो इसलिए जो है गाय में आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा एड्रेनलिन दे सकते हैं ताकि वो वासो डायलेशन करे। दूसरे लोकल वासो डायलेटर्स आप उस जगह पे लगा सकते हैं, ठीक है। अब तीसरे केस की हम बात करते हैं जो आप लोगों ने भी काफ़ी देखे होंगे। एक दिन हम सुबह सुबह कहीं गांव में गए तो वहां पर एक पशुपालक भागता हुआ आया कि साहब हमारी गाय जो है उसने कोई वहां पर ज्वार उगी हुई थी, वो जो है ज्वार को पानी कम मिला हुआ था, पीली पड़ी हुई थी और छोटी थी, परिपक्व ज्वार नहीं थी। तो वो खाते ही 20 मिनट बाद जो है उसको सांस में तकलीफ होने लग गई, वो पैर मारने लग गई और इस प्रकार के लक्षण वो दिखाने लग गई। तो ये होती है साइनाइड विषाक्तता या साइनाइड पॉइजनिंग। देखिए जो बादाम होते हैं खारे बादाम, उनमें भी कुछ मात्रा साइनाइड की होती है, तो घोड़े पालक जो है इससे अच्छी तरह परिचित हैं कि वो घोड़े को अगर बादाम खिलाते हैं तो एक एक चक्के खिलाते हैं कि कहते हैं कि अगर खारा बादाम ज़्यादा चले गए तो घोड़ा मर सकता है, वो साइनाइड पॉइजनिंग की वजह से मर सकता है। तो इसका उपचार हमने तुरंत जो है वो किया और सोडियम नाइट्राइट और सोडियम थायोसल्फेट ये 200 ml पानी में मिला करके उसको IV दे दिया और सोडियम थायोसल्फेट जो है 100 ग्राम उसको पेट में भी खिलवा दिया और वो पशु बच गया। लेकिन उसको कहा भैया आप ये जो ज्वार है इसको खाने मत देना। तो आप लोगों के भी क्षेत्र में ऐसे जो है केसेस आते हैं, आप उपचार करते होंगे लेकिन सोडियम नाइट्राइट और सोडियम थायोसल्फेट से आप उस पशु को बचा सकते हैं, ठीक है। अब हम चलिए हम बात करते हैं अपने अंतिम जो केस की हम बात करते हैं। कुछ बीकानेर के आसपास के क्षेत्रों में हम जब चालीकाई में जाते थे तो वहाँ पर हम देखते थे कि गर्मी के मौसम में खास तौर से कई पशुओं में जो है वो वाड़े पर और जो है उसके पीछे वाली टांगों पर काफ़ी सारे छोटे छोटे फफोले हो जाते थे और ये फफोले जो वाड़े पर होते थे कई बार ये फूट जाते थे और पशुपालक को दूध निकालने में तकलीफ होती थी क्योंकि पशु को दर्द होता था। तो और हम उनको क्या करते थे उस समय जो है जिंक ऑक्साइड उसको कहते थे, इसको थोड़ा सा घी में मिला के फफोलों पे लगा देना। और ये एलर्जिक डर्मेटाइटिस है, ये जो है DORB जो होता है डी ऑयल्ड राइस ब्रान, वो पशुपालक वो कहीं से ले आया था सस्ती सी और वो बहुत ज़्यादा मात्रा में खिला रहा था। इसकी बहुत कम रिपोर्ट्स हैं कि DORB से एलर्जिक डर्मेटाइटिस गायों में हो सकती है, लेकिन ऐसी होती है। और आप DORB बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में पशु को नहीं खिलाएं। इसी प्रकार से ग्वार की फलगटी अगर आप खिला रहे हैं पशु को, गाय को खास तौर से, तो उससे भी एलर्जिक डर्मेटाइटिस हो सकती है। इसका उपचार बहुत आसान है, आप एविल के 3 दिन टीके लगा दें और ज़्यादा हो तो 2 या 3 दिन डेक्सोना या हाइड्रोकॉर्टिजोन के टीके उसको लगा दें तो वो ठीक हो जाएगी। लेकिन जब तक वो स्रोत उसका नहीं हटाएगा, जो DORB खिलाते रहेगा तो ये वापस हो सकती है। तो इसलिए उससे कहें कि जो चीज़ जिससे ये एलर्जी हो रही है उसको वो खिलाना बंद करें
और उससे वो पशु ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने आज आपसे 5 जो है अनयूजुअल केसेस की चर्चा की, आशा है ये आपके लिए लाभदायक होंगे और आप अपने आप जो है अपने एक्सपीरियंसेस भी कमेंट सेक्शन में शेयर करें कि आपने भी ऐसे कोई केस देखे होंगे, और अपने सुझाव मुझे भेजें। और जो है अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और वीडियो आपके लिए लाता रहूं, तो मेरे चैनल पशु प्रजनन समस्याएं एवं निवारण के वीडियो को पूरा देखें, घंटी के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, आएंगे हम और वीडियो आपके लिए लेकर आगे, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।